आनंद एक सुगंध है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके पीछे साधना की यात्रा है। तुम इसे सीधे तौर पर प्राप्त नहीं कर सकते, पहले तुमको गुलाब के बीज डालने होंगे। जब गुलाब आएंगे तो सुगंध अपने आप आ जाएगी। आनंद ध्यान की सुगंध है। ध्यान का अर्थ है और अधिक से अधिक मौन हो जाना। शोर करने वाला व्यक्ति आनंदित नहीं हो सकता, उसे मौन के संगीत की आवश्यकता है। और हमारा मन बहुत शोरगुल वाले हैं, हम अपने सिरों में लगभग एक पूरा बाजार लिए फिरते हैं, सभी प्रकार की बकवास। और हम एक नहीं हैं, हमारे अंदर एक भीड़ है, कई लोग, और वे लगातार आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। हमारे मन का हर टुकड़ा सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है। अंदरूनी राजनीति लगातार चल रही है। इस लगातार अंदरूनी युद्ध में तुम आनंद को नहीं पा सकते। आनंद केवल तभी संभव है जब यह भीतर चल रहा युद्ध समाप्त हो। और ये समाप्त हो सकता है, इससे परे जाना बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ होश की आवश्यकता है। हम इस पूरी घटना के प्रति जागे नहीं हैं जो चलती रहती है, ये अंदर की तरफ एक अंडरकरंट की तरह चलती है। हम लगभग इसके प्रति अनजान हैं, ये हमेशा वहाँ है दिन रात, लेकिन हम इसके प्रति जागे नहीं हैं। हमें इस सब में सिर्फ जागरण लेके आना है। धीरे धीरे शोरगुल की सूक्ष्म परतों को देखो और धीरे धीरे तुम इस बातचीत, इस शोरगुल के प्रति सचेत होने लगोगे। लगभग ऐसा प्रतीत होगा मानो सर के अंदर एक पागलखाना है। देखने और जागने के माध्यम से एक चमत्कार होता है। तुम देखोगे, जो भी तुम देख लोगे उससे तुम्हारी मुक्ति होने लगेगी, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज तुम्हारे जीवन के काल्पनिक हैं। देखना नींद से जागना है, और जिस क्षण ये सब शोर गायब हो जाता है, तुम्हें गहरे मौन के साथ छोड़ दिए जाते हो। शुरुआत में केवल अंतराल होते हैं, छोटे अंतराल। जब विचार समाप्त होते हैं, आकाश खाली हो जाता है बादलों से, विचारों से, लेकिन ये अभी स्थायी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वे अंतराल बड़े हो जाते हैं, वे अधिक बार आने लगते हैं, फिर वे लंबे समय तक रहने लगते हैं। प्राचीन रहस्यवादियों द्वारा एक गणना की गई है कि यदि एक व्यक्ति 48 मिनट तक पूरी तरह से मौन रह सकता है तो वह ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह पूरी तरह से आनंदित हो जाता है, और फिर यह हमेशा के लिए रहता है, फिर वापसी नहीं होती। तुम पार जा चुके होते हो, तुम समय और इसके निरंतर बदलते रेत के ढेर से पार हो चुके होते हो। ये साधना का अंतिम लक्ष्य है। इन्हीं क्षणों में व्यक्ति को अपनी अमरता का एहसास होता है।